दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लेजेंडरी पोर्ट स्क्रीन राइटर लिरिस्ट जावेद अख्तर के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका रियल नेम है जावेद अख्तर और निक नेम से इनको जादू कहते हैं। जावेद अख्तर प्रोफेशन से लिरिस्ट स्क्रीन राइटर पोर्ट हैं। इनका जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर स्टेट सेंट्रल इंडिया एजेंसी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और 2024 के हिसाब से आज इनकी एज 79 ईयर है और इनका होम टाउन लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया है। आप इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कॉलविंड ताल्लुक दूर कॉलेज लखनऊ से की और आगे की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है आर्ट से। दोस्तों जावेद अख्तर का जन्म 1945 में ग्वालियर में हुआ। उनके पिता जान निसार अख्तर एक बॉलीवुड फिल्म गीतकार एंड उर्दू के कवि थे। उनके दादा मुखजतर खैराबादी और उनके दादा के बड़े भाई बिस्मिल खैराबादी एक कवि थे। बचपन में जावेद अख्तर को सब प्यार से जादू के नाम से संबोधित करते थे जो कि इनके पिता द्वारा लिखी गई कविता का एक वर्ड है। अब इनके करियर के बारे में देख लेते हैं। जावेद शुरू से ही पोर्ट एंड स्क्रीन राइटर बनना चाहते थे। उनके घर के सभी लोग कवि थे तो वहीं से ही जावेद को प्रेरणा मिली जो ये सक्सेसफुल स्क्रीन राइटर एंड पोर्ट एंड लिरिस्ट बने। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाने की उम्मीद को लेकर 1964 में मुंबई आ गए। हालांकि उनके पास शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। जोगेश्वरी में कमाल अमरोही स्टूडियो में आश्रय पाने से पहले उन्होंने बिना कुछ खाए पेड़ों के नीचे या गलियारों में सोकर दिन बिताए। द फ्यूचर राइटर जोड़ी सलीम जावेद की पहली मुलाकात फिल्म सरहदी लुटेरा के सेट पर हुई जो 1966 में आई, जिसमें सलीम एक एक्टर थे और जावेद एक क्लैपर बॉय थे। बाद में उन्हें डायलॉग राइटर की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया गया क्योंकि प्रोड्यूसर को कोई नहीं मिला। शुरुआत में 1970 के दशक में आमतौर पर स्क्रीन राइटर स्टोरी एंड डायलॉग के लिए एक ही लेकर रखने की कोई अवधारणा नहीं थी और ना ही राइटरों को टाइटल में कोई क्रेडिट दिया जाता था। राजेश खन्ना को हाथी मेरे साथी में काम की पेशकश करके सलीम खान और जावेद अख्तर को स्क्रीन राइटर बनने का पहला मौका देने का श्रेय दिया। उनका फर्स्ट डेब्यू स्क्रीन राइटर था सलीम खान के साथ अंदाज मूवी से जो कि 1971 में आई थी। ये उस समय की ब्लॉकबस्टर हिट रही। अंदाज मूवी की सफलता के बाद इन्होंने एक साथ काफ़ी मूवी में एज ए स्क्रीन राइटर के रूप में काम किया और उन्होंने 24 फिल्मों में एक साथ काम किया है जिनमें से 20 सुपरहिट रहीं। इन फिल्मों के नाम हैं अधिकार, सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर, हाथ की सफाई, दीवार, शोले, चाचा भतीजा, डॉन, त्रिशूल, दोस्ताना, क्रांति। हालांकि 1982 में ये दोनों अलग हो गए थे लेकिन उस समय उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उनमें से कुछ को बाद में जमाना जो 1985 एंड मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों में यूज किया और एज ए स्क्रीन राइटर सोलो डेब्यू किया था इन्होंने बेताब मूवी से जो 1983 में आई थी। उसके बाद इन्होंने सोलो काफ़ी मूवी में एज ए स्क्रीन राइटर काम किया जिनके नाम हैं दुनिया, मसाल, सागर, अर्जुन, मेरी जंग, मैं आज़ाद हूँ, रूप की रानी, चोरों को राजा, प्रेम, लक्ष्य, डॉन्स। और साथ ही साथ इन्होंने सॉन्ग भी लिखे हैं। एज ए लिरिस्ट डेब्यू किया था इन्होंने सिलसिला मूवी से जो 1981 में आई थी। उसके बाद इन्होंने एज ए लिरिस्ट काफ़ी मूवियों में काम किया जिनके नाम हैं लावारिस, द्रोही, मिस्टर इंडिया, गर्दिश, दस्तक, दिल जले, बॉर्डर, जीन्स, रिफ्यूजी, चैम्पियन, लगान, मोक्सा, बधाई हो बधाई, अरमान, वीर जारा दोबारा, जोधा अकबर, आयशा, रॉक ऑन टू, गोल्ड, पंगा, पलटन एंड मोर।
तो हमको कमेंट करके बताना कि जावेद अख्तर आपको कैसे लगते हैं। अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको 5 बार नेशनल अवार्ड दिया गया बेस्ट लिरिस्ट के लिए, साथ ही साथ इनको 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट लिरिस्ट एंड बेस्ट डायलॉग के लिए, और इनको 3 बार मिर्ची म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो इनके फादर का नाम लेट जान निसार अख्तर है, जो प्रोफेशन से एक सॉन्ग राइटर एंड पोट थे। इनकी मदर का नाम साफिया अख्तर है, जो प्रोफेशन से एक सिंगर थी। इनके ब्रदर का नाम सलमान अख्तर एंड साहिद अख्तर है, और इनकी 2 सिस्टर भी हैं जिनका नाम ओनेजा अख्तर एंड अलविना अख्तर है। और इनकी एक्स वाइफ का नाम हनी ईरानी था, जो प्रोफेशन से स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर थी। ये 1978 में अलग हो गई थी और 1985 में इन्होंने डिवोर्स ले लिया था। इनकी वाइफ का नाम सवाना आजमी है, जो प्रोफेशन से एक्ट्रेस हैं। इनकी मैरिज 9 दिसंबर 1984 को हुई है, और एक इनके बेटा और एक बेटी भी है। इनके सन का नाम फरहान अख्तर, जो इनकी फर्स्ट वाइफ से हैं। इनकी बेटी का नाम जोआ अख्तर, जो इनकी फर्स्ट वाइफ से हैं। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको वॉचिंग क्रिकेट काफ़ी पसंद है। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ 702 सागर सम्राट ग्रीनफील्ड रोड नियर जुहू मुंबई में रहते हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास कार है मर्सिडीज बेंज GLS 400D एंड सेकेंड कार है ODE8L। अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग $20 मिलियन है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 165 करोड़ रुपये बनता है। तो ये थी जावेद अख्तर की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।